निर्मल दादा का जयंती के अवसर पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सिल्ली इकाई के माध्यम से खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति और अन्य झारखंडी हित का नीति बनाने की मांग को लेकर के नीति बनाओ बाइक रैली का आयोजन किए हैं। क्योंकि बहुत लंबी समय के बाद झारखंड पुलिस का, जिला पुलिस का बहाली निकला है और जब उसमें रोस्टर जब जारी किया गया, सीट जब जारी किया गया, उसमें 16 जिला में ओबीसी वर्ग का 0 कर दिया गया है। यह इसका अंदेशा हम लोग को पूर्व ही था। चूँकि एक पिछड़ा वर्ग को देखा जाए तो इस राज्य की बात करें या पूरे देश की बात करें, उसके साथ हक अधिकार के मामले पर बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। चूँकि अगर देश की बात करें तो हमारा ओबीसी वर्ग का भाइयों का जनसंख्या लगभग 65% है और 65% को जब मंडल कमीशन के माध्यम से जब अनुशंसा किया गया था तो जब उस समय 54% रिजर्वेशन का अनुशंसा किया गया था और वो भी मतलब कि जब इसको विधेयक को लाया गया, उस विधेयक को पास होने में पहली बार तो 10 साल लग गया। कई कमेटी बना, कई चर्चा हुआ, कोई परिचर्चा हुआ, उसके बाद अंततः 27% मिला और 27% मिला वो भी उसका हाफ मिल गया जितना उसका अनुशंसा किया गया था। तो यह 52% का विधेयक पे जो है कि सीधा सीधा 27% दिया जा रहा है और जब झारखंड अलग राज्य हुआ तो 27% को भी 14% कर दिया गया। अब हम इसका टेक्निकल चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो जैसे पूरे झारखंड प्रदेश का सबसे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी का बहाली करने वाला संस्था है JSSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसके पास लगभग 4.5 लाख सृजित पद है जिसमें 3.5 लाख आसपास उसका भी रिक्त है। तो जब 4.5 लाख सृजित पद है तो जब हम लोग रोस्टर को समझते हैं तो 4.5 लाख सीटों को सबसे पहला बात कि उनको जिसका जिस कैटेगरी का उसको बांटा जाता है। तो ओबीसी के लिए 27% केंद्र के अनुसार मिलना चाहिए था, अगर मिलता 27% तो 4.5 लाख का 27% सीट अलॉटमेंट होता। उसी प्रकार अभी हाल में जो EWS को 10% दिया गया उसके लिए 4.5 लाख का 10%, उसी प्रकार ST के लिए बात करें तो 26% और SC के लिए बात करें तो 10%। तो ये ST SC OBC EWS मिला करके 60% बांटा जाता है। लेकिन इससे ओबीसी के साथ अन्याय क्या होता है इस चीज को, मतलब इसमें जब तक टेक्निकल चीजों को नहीं समझेगा तो सत्य लड़ाई नहीं लड़ सकते। जैसे कुत्ता क्या करता है, जैसे कोई बांस का लाठी से अगर कोई उसको छेड़ता है तो वह कुत्ता भूकता है और उस बांस को काटता है, उस छत के ऊपर से उड़ने वाले लोग को, व्यक्ति को, उसको नहीं देख पाता है। जब तक ऊपर में बैठे डांटा पकड़ के जो उड़ने वाला आदमी है उसको हम लोग नहीं नजर करेंगे तब तक हम बांस को कितना भूकते हुए काटेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ आयोग के प्रति हल्ला करने से नहीं होगा। जो ओबीसी वर्ग का 27% कुल जो सृजित पद है 4.5 लाख का, उसमें जो पुलिस मुख्यालय से जो सृजित किया गया कुल पद उसका मात्र 14% ओबीसी वर्ग के लिए है। इसमें भी और घोटाला और अन्याय क्या करता है, जो ओबीसी वर्ग अनारक्षित श्रेणी में जो जाते हैं उसका काउंटिंग जब तक रिटायर नहीं होता तब तक उसको अनरिजर्व और सामान्य वर्ग में ही रखना चाहिए। लेकिन ये जब ये चीज को हम जानने की प्रयास किए कि 16 जिला में आखिर 0 कैसे संभव हुआ, तब हम इस पे रिसर्च पे गए तो सामने अंदर तक गए तो हमको पता चला कि पुलिस मुख्यालय जो रिक्त पदों के विरुद्ध बहाली के लिए जो सीट दिया था कार्मिक विभाग को और कार्मिक विभाग जो आयोग को दिया, जब विज्ञापन निकला तो पुलिस मुख्यालय से मेन खेला हुआ है। मेन खेला ये हुआ है कि ओबीसी वर्ग का जो चयनित सामान्य वर्ग में हुआ था उसको सामान्य वर्ग ही जब तक रिटायर नहीं हुआ तब तक जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जाति प्रमाण पत्र जमा किया था तो सामान्य वर्ग में चयनित होने के बावजूद उसका सीट को ओबीसी वर्ग में जोड़ दिया गया। इससे क्या हो रहा है कि 27% मात्र रिजर्वेशन और 27% जो है वो तो है ही, लेकिन जो सामान्य वर्ग से जो ओबीसी गए थे उसका भी सीट को मैंने भरा हुआ है जैसा, उसको भी काउंटिंग कर दिया 27% में ही। और सीट जब निकलता है कोई चीज तो उसमें यह देखा जाता है कि जब उसका टोटल सीट का 4.5 लाख का जो आपको 14% दिया गया है उस 14% में आपका कितना खाली हुआ है तो उसको उतना ही सीट उसको दिया जाता है। तो वहां पे मेन गेम किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग काम कर रहा है जो बाहरी तत्व है जो हर डेग टेग पे लड़ाई है लोग से। JSSC पे बैठे हुए उच्च अधिकारी भी उसी विचारधारा के हैं, कार्मिक विभाग में बैठे हुए उच्च अधिकारी भी उसी विचारधारा के हैं, विधि विभाग में बैठे हुए उच्च अधिकारी भी उसी विचारधारा के हैं, साथ ही साथ जो
आपका कार्मिक सचिव से लेकर सारे से लेकर मंत्री का पीएडीएस सब उच्च विचारधारा के लोग हैं। तो एक जो विचारधारा काम कर रहा है कि यहाँ के पिछड़े आदिवासी चाहे दलित यहाँ के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को हक को हर तरीके से मारना है, तो इस विचारधारा के खिलाफ जब हम लोग लंबा लड़ाई लड़े झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति टाइगर जयराम जी के नेतृत्व पे, तो ये लड़ाई जो हम लोग आंदोलन किए देखिए आज बाल भी बढ़ा है। तो ये एक कारण है कि भाई नियोजन नीति इतना ऐतिहासिक आंदोलन अलग झारखंड के बाद पहली बार लगातार दो दो बार बंद हुआ, पूरे झारखंड प्रदेश में इसका असर हुआ। उसके बाद हम लोग 72 विधायक को लिखित समर्थन लिए, मुख्यमंत्री घेराव विधानसभा घेराव सब किए, लेकिन आखिर नीति क्यों नहीं बना। तब जब हम लोग वार्ता में गए तब जो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी होता है वहां पाते हैं कि 32 में 30 बाहरी है, दो मात्र झारखंडी है, जयंत टोप्पो और एक लक्ष्मी मुर्मू। विधि सचिव बाहर के, कार्मिक सचिव बाहर के, आपका गृह सचिव बाहर के, तो ये जब सारे लोग बाहर के होते हैं तो हम लोग नीचे कितनों छटपटाते हैं, कितनों लाठी खाते हैं, कितनों डंडा खाते हैं, कितनों आंदोलन करते हैं, कितनों लोग सड़क पर उतरते हैं, लाखों लाख सड़क पर उतरते हैं, ऐतिहासिक सफल बनाते हैं आंदोलन को, लेकिन असर नहीं दिखता है। तो इसीलिए सिस्टम को सुधारने के लिए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति 2024 में चुनाव लड़ने जा रही है। दादा जेएसएससी लगातार छात्रों के हित में आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, जो ओबीसी का पूरा 16 जिलों में जीरो जो रखा गया है, तो आगे क्या करेगी जेएसएससी? देखिए जो जेबीकेएसएस का छात्र विंग जेएसएससी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन है, क्योंकि झारखंड के हर छात्र का हर हक अधिकार के लिए चाहे नियोजन नीति की बात करें या नौकरी की बात करें रोजगार की बात करें आंदोलन किया है। तो यहाँ पे जो हमको जो हम लोग विचार विमर्श किए उससे जो समझ में आता है सीधे विज्ञापन को ही रद्द कर देना चाहिए और शुरू से सीट रोस्टर का आपका जो है कि क्रिएट किया जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अब जो है कि विज्ञापन जारी किया गया है, जो सीट दिया गया है वो पुलिस मुख्यालय के द्वारा भेजा गया जो सीट है उसके अनुसार कार्मिक विभाग के निर्देश के अनुसार आयोग निकाला है, तो हम हल्ला करेंगे जहां तहां तो नहीं होगा। इसीलिए इसका अगर इसका हम समाधान चाहते हैं तो हमको इस विज्ञापन को रद्द कराना होगा और हमको विधि सचिव, कार्मिक सचिव और आपका गृह सचिव से मिल करके, मुख्य सचिव से मिल करके, यहाँ के स्थानीय विधायक मंत्रियों के सहयोग से वो लोग भी इस पर पहल करें, सहयोग करें हम लोग का, और फिर से नए सिरे से जो भी सृजित पद है इसको जांच पड़ताल करते हुए मतलब बिना पक्षपात किए पारदर्शिता के साथ सीट क्रिएट किया जाएगा, तो निश्चित ही ओबीसी का सीट बढ़ेगा। और ओबीसी का और हम तो कहेंगे, चूंकि यह सरकार का वादा था कि पहला साल हम ओबीसी रिजर्वेशन को 27% करेंगे, तो अगर 27% रिजर्वेशन को करने के बाद विज्ञापन निकालता है तो हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 16 जिला में जो 0% जीरो सीट जो दिख रहा है ओबीसी का, वहां प्रत्येक जिला पर जो है कि सीट बाकी वर्ग का जितना भी है उससे ज्यादा आएगा। चूंकि सबसे ज्यादा रिजर्वेशन अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो ओबीसी का है और आबादी भी है, और कहा भी गया है जिसका जितना आबादी उसका उतना प्रतिनिधित्व। दादा कहीं ना कहीं जीके को भी हटा दिया गया है सिलेबस से, तो मतलब क्या इस प्रकार से सरकार कर रही है छात्रों के लिए? जो लड़का इतना दिनों से बाहर में रह के जीके जीएस का तैयारी करता है और जीके को ही सिलेबस से हटा दिया जाता है, तो क्या कहेंगे इसमें? देखिए यहाँ जीके जीएस कोई नहीं हटाया है, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे इतना दुर्भाग्य इस राज्य का, हम तो सोचते हैं तो मेरा नींद नहीं आता, हम बहुत चिंतित होते हैं कि भाई भविष्य में क्या होगा इस राज्य का दशा। जेपीएससी में रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया गया है। अगर आप कोई आरक्षित वर्ग से दावा करते हैं तो आपको अनारक्षित में आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। राज्य धुआं धुआं हो जाएगा आने वाले दिनों पे, पूरा खोखला हो जाएगा, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग जो रिजर्व जो है वो एसटी एससी ओबीसी और अभी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, और बाकी जो सीट है वो अनरिजर्व है, मतलब ओपन फॉर ऑल है, फॉर जो है कि मेधावी के लिए है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए ओपन है। लेकिन वहाँ पे आप जो है कि एंटी रिजर्वेशन काम कर दिए कि अगर आप ओबीसी हैं 14% का दावा ठोके है तो आपका मार्क्स कितना आता है, आप सिर्फ और सिर्फ ओबीसी रहिएगा। ये सबसे बड़ा घोटाला और सबसे बड़ा साजिश रचा गया है इस पर। अब आते हैं जैसे कि अब क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साथ साथ यहाँ पर जो है कि हिंदी इंग्लिश को भी लागू कर दिया गया है। अब हिंदी इंग्लिश को लागू करके क्या कर दिया जा रहा है, अब नॉर्मलाइजेशन के तहत कॉपी जो है कि जांच करके मार्क्स दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन से अगर लैंग्वेज पेपर को किया जाएगा तो झारखंडी छात्र का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रीय भाषा जो खोरठा है, कुरमाली है, मुन्नारी है, नागपुरी है, हो है, खड़िया है, ये भाषा के विषय पर परीक्षा पे 90 नंबर भी ला सकता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में इतना नहीं लाया जा सकता है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन अगर कर दिया जाएगा तो उसमें भी इसके बराबर मार्क्स दे दिया जाएगा। इसीलिए हम दो तीन बातें, जो रिजर्वेशन तो पूरा होना चाहिए यूपीएससी के तर्क पर और अन्य राज्य पे जैसे हो रहा है, हम एकदम लीगल और तर्क के साथ बात करेंगे। दूसरी बात,
जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के साथ हिंदी अंग्रेज को तो दे ही दिया, हम लोग लड़ाई लड़े नहीं सुने, अब दे ही दिया तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए, कुछ तो बचा लिया जाए इस राज्य को, कुछ तो छात्र के लिए हित पे किया जाए। इसीलिए यह तभी संभव होगा जब एक विषय का एग्जाम एक ही दिन में होगा, एक विषय का एग्जाम दो दो दिन में जब भी होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन होगा। इसलिए एक विषय का एग्जाम एक ही दिन पे होना चाहिए। तीसरी चीज, जो जीके जीएस की जो बात आया है झारखंड का, ये बहुत बड़ा मैंने आग लग जाएगा इस राज्य के अंदर, चूंकि यहाँ एक झारखंड प्रदेश का अगर हम कल्चर को देखते हैं, यहाँ के डेमोग्राफी को देखते हैं, तो यह एक आदिवासी मूलवासी फिफ्थ शेड्यूल का राज्य है। यहाँ जंगल झाड़ में लोग रहते हैं, अभी भी कोल्हान का में जाइएगा तो अभी भी हाट बाजार में अभी भी यहाँ के हो आदिवासी लोग जो है कि पत्ता का कपड़ा पहन करके हाट बाजार जाते हैं। कहने का मतलब है कि यह बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे यह राज्य है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी जो भी बनेंगे उनको यहाँ का झारखंड के बारे जानकारी होना नितांत आवश्यक है। यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा यहाँ का इतिहास भूगोल सारे चीज को अगर आप झारखंड जीके जीएस नहीं रखेंगे और सिर्फ इंडियन जीके जीएस रखेंगे तो यहाँ का झारखंड का जितना नॉलेज है आपके पास कुछ होगा नहीं, तो झारखंड को समझेंगे नहीं। और झारखंड को नहीं समझेंगे वैसे लोग अगर यहाँ के बीडीओ सीओ डीएसपी एसपी मास्टर टीचर पुलिस या ऑफिस में सरकारी दफ्तर में कर्मचारी अधिकारी अगर बनते हैं तो इस राज्य के तमाम आदिवासी मूलवासी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड भोले भाले लोग हैं। यहाँ अगर अपने भाषा के अलावा दूसरा भाषा में बात करने वाले सामने वाले होते हैं तो वो अपना मुड़ी जो है कि नीचे झुका लेते हैं। यह इस राज्य का जो है कि सच्चाई है। इसीलिए जीके जीएस को सिलेबस बढ़ाना चाहिए लेकिन घटाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये राज्य की सरकार कैसा अंधा बहरा गूंगा है समझ में नहीं आता है। हम लोग इतना बार बार कह रहे हैं कि हम लोग का एक राय मान जाएगा तो यहाँ बहुत अच्छा से राज्य चलेगा, एक राय मान जाए, लेकिन अगर ये तमाम चीज़ों को नहीं सुधारती है, जेपीएससी का रिजर्वेशन की बात करें या तो हमारे को झारखंड जीके की बात करें या जो नॉर्मलाइजेशन के बारे जो बताया या ओबीसी को सीट अलॉटमेंट की बात करें, ये तमाम चीज़ों पर सुधार नहीं होता है तो हम लोग इसका पूरा काला चिट्ठा गांव गांव तक लेके जाएंगे और 2024 में जेबीकेसेस का सरकार बना करके अपना हाथों से नीति बनाएंगे, झारखंड का सिलेबस को 2 गुना बढ़ाएंगे, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के साथ कोई भाषा को नहीं रखेंगे और यहाँ का रिजर्वेशन को जिसका जितना आबादी है जाति के अनुसार जनगणना करा करके जिसका जितना आबादी उसका उतना हिस्सेदारी तय करेंगे और यहाँ खतियान को परिभाषित करेंगे, चाहे वह स्थानीय व्यक्ति की बात करें चाहे और तमाम मजदूर के लिए जो भी यहाँ पॉलिसी बना हुआ उसके अनुसार काम करके अपने कलम से करेंगे और उस दिन आत्मसंतुष्टि होगा और उस दिन झारखंड बनने का उद्देश्य पूरा होगा, झारखंड गठन का उद्देश्य पूरा होगा, शहीदों को भी आत्मा का शांति मिलेगा, शहीदों का भी सपना पूरा होगा, आंदोलनकारियों का भी अरमान पूरा होगा। यही इस जीवन का हम लोग का आखिरी ख्वाहिश है। लास्ट सवाल रहेगा कल निर्मल महतो का, आप लोग शायद बाइक रैली दिल्ली में कुछ प्रोग्राम रखे उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं और साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहता हूं कि कल यानी 25 दिसंबर दिन सोमवार को निर्मल दादा का जयंती है और निर्मल दादा वो व्यक्ति हैं जो झारखंड आंदोलन के लिए झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ते लड़ते अपना खून दे दिया और आज हम खुले मंच पर ओपन कैमरा ऑन रिकॉर्डेड कर रहे हैं कि अगर झारखंड आंदोलन में निर्मल दादा का खून नहीं बहता, निर्मल दादा शहीद नहीं होते तो झारखंड आंदोलन में इतना उबाल नहीं आता और इतना उबाल नहीं आता तो हमारे परम आदरणीय धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना साकार करने के लिए इस राज्य का गठन नहीं होता। तो इस राज्य के गठन के पीछे निर्मल दादा का खून अहम है। इसलिए कल निर्मल दादा का जयंती के अवसर पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सिल्ली इकाई के माध्यम से खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति और अन्य झारखंडी हित का नीति बनाने की मांग को लेकर के नीति बनाओ बाइक रैली का आयोजन किए हैं, जो सिल्ली प्रखंड के ही बनता चौक जो धरती आबा बिरसा मुंडा का चौक है वहां से हम लोग धरती आबा बिरसा मुंडा को नमन करते हुए उसको श्रद्धांजलि देते हुए माल्यार्पण करते हुए हम लोग इसका शुरुआत करते हुए बाइक रैली करते हुए झारखंड मोड़ सिल्ली जो निर्मल दादा का आदमकद प्रतिमा है उसको माल्यार्पण करेंगे और साथ ही साथ जो उसी क्षेत्र का एक ऊंचो सुडिल गांव में एक प्रतिमा है वहां पे माल्यार्पण करेंगे और उस दिन राज्य के कई जाने माने आंदोलनकारी यहाँ के स्थानीय लोग आंदोलनकारी नेत्री आंदोलनकारी नौजवान साथी सभी को शामिल हो रहे हैं और आपके चैनल के भी माध्यम से हम हाथ जोड़ के भी एक आमंत्रण करते हैं कि सभी को आप लोग पहुंचिए। प्रेस मीडिया के साथी
लोग भी आप लोग पहुंचे, यही आमंत्रण है हाथ जोड़ करके। ठीक है।